हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हिस्ट्री की सीरीज है उसमें हमारा सेकंड चैप्टर जो रहेगा वो है हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा का नाम, हड़प्पा क्यों पड़ा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करने हैं, मोहन जोदड़ो के बारे में जानेंगे, क्या थी इनकी नगरीय सभ्यता, किस तरीके से ये इनका फंक्शनिंग था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कहाँ कहाँ पर मुख्य स्थल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत में आज का दूसरा चैप्टर है। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये सीरीज हर रोज शाम को 5 बजे आती है, जहां पर हम पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर हमने यहाँ से टॉपिक पढ़ा तो हम अपने डाउट्स को कैसे ले सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप बाद में किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अटक गए, किसी कंसेप्ट में अटक गए, तो वहां पर आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, आपको एक ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी लोग वहां पे आपकी हेल्प कर देंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, किस तरीके से, और उस क्वेश्चन को हम अपनी अगली क्लास में भी इंक्लूड कर लेंगे, या हम वीकली जो डाउट सेशन होंगे उसमें हम वहां पर इंक्लूड कर लेंगे। तो इससे आपके साथ साथ जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हुए चलेंगे। इसके साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री की या इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम की, डीएसएसबी केवीएस में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी सिटी, आपका एग्जाम, ये तीनों चीज लिख के आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8447410108 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये यूट्यूब क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर अपना कवर करेंगे। तो जैसे अगर आपका नाम है अमन तो अमन लिखेंगे, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, उसके बाद डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि लाइव कोर्सेज भी हैं और रिकॉर्डेड बैचेस भी, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन पर, दोनों पर ही। तो स्टडी पोर्टल एक टीचिंग एग्जाम्स पर ही हम फोकस करते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर टीचिंग एग्जाम्स नीड्स, जैसे कि लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस। और अगर आप सिर्फ इन वीडियोस के माध्यम से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई आपके पास बुक नहीं है कि कहां से आप रेफर करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल के लिए भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है, सेम हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है और पेड बैचेज आप इस तरीके से ऐप पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर अलग अलग फोल्डर में कंटेंट सेक्शन होता है, जनरल पेपर का अलग, स्पेसिफिक का अलग, और इस तरीके से अलग अलग क्लासेस होती है पेड बैचेज में, जो आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पता ही है, 8447410108, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक बुक की जो भी आपका सेक्शन है उसकी हर एक अलग अलग बुकलेट दी गई है, जिससे कि आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी को बखूबी कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का आज का चैप्टर। तो दोस्तों आगे की जो ये वीडियो है ये ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे और अपने डाउट, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप फेसबुक ग्रुप पर या फिर आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हड़प्पा, ये हड़प्पा हम क्यों बोल रहे हैं, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हड़प्पा संस्कृति है तो एक जगह जो सबसे पहले खोजी जाती है, जिसके बारे में सबसे पहले पता चलता है, उसी के नाम पे वो संस्कृति हो जाती है। जैसे कल हमने कौन सी संस्कृति के बारे में पढ़ा था, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति हमारे कहाँ है, महाराष्ट्र में, जिसके बाद दैमाबाद, इनामगांव, ये सब थे। तो इसी तरीके से हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ, जब खोजी गई, जब जगह के बारे में पता लगाया गया, जब खुदाई की गई, तो पुरातत्व विभाग द्वारा सबसे पहले कौन सी जगह खोजी गई, हड़प्पा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हड़प्पा संस्कृति। तो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास ही बसी हुई थी, सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदी है उसके आसपास ही, ठीक है।
तो अब ये हड़प्पा संस्कृति की हमें कैसे पता चला, कब शुरुआत हुई? गुड मॉर्निंग सुभाष, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर, जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस टाइम पे जब खुदाई की गई तो मजदूरों को कुछ ईंटें मिली, कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले, तो उसके बाद खुदाई के आदेश दिए गए और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को खोजा गया। तो महानिदेशक कौन थे पुरातत्व विभाग के? जॉन मार्शल। अगर ये पूछा जाए कि किसकी देखरेख में सब हुआ, किसकी देखरेख में कौन था हेड, कौन था या पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने आदेश दिया था आगे खुदाई करने का। तो सबसे पहले जो खोजा गया वो थी हड़प्पा और उसके बाद अगले ही साल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम सहानी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आरडी बैनर्जी, यानी कि राखल दास बैनर्जी ने। ये खोज हुई। जॉन मार्शल महानिदेशक थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, तो आपको पढ़ना है जैसे हड़प्पा के लिए महानिदेशक पूछा जाए तो जॉन मार्शल। खुदाई किसने की, किसने खोज की थी 1921 में? राय बहादुर दयाराम सहानी, या सिर्फ आप दयाराम सहानी भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मोहनजोदड़ो 1922 में किसने खोज की? राखल दास बैनर्जी, या जिसको आप आर डी बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों की खोज से रिलेटेड, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो आपको किस नदी के किनारे मिला है, ये बनता है यहाँ पर। तो हड़प्पा जो हमारा है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो जो हमारा है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा हमारा कहाँ है? रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। आप भूल जाते हैं एग्जाम में कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे था कि नहीं, रावी नदी याद ही नहीं रहती, तो कैसे याद करना है? आपको दो वर्ड याद रखने हैं, हरा और मोसी। ठीक है, हरा और मोसी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये कोई आप बोलोगे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन जब आपके दिमाग में सिर्फ ये दो वर्ड याद रहेंगे ना, हरा और मोसी, तो आपको याद आ जाएगा हाँ हड़प्पा हमारी रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इतने से छोटे सी चीज में आपके काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में जब पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई तो हेड कौन था, महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल का नाम आ जाएगा। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई। किसने की? दयाराम सहानी, राय बहादुर दयाराम सहानी का पूरा नाम है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी नदी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में अगले साल इसकी खोज हुई और राखल दास बैनर्जी ने गई। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वत के मानसरोवर से। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो जो भी अपना नोटपैड पेन आप सभी लेके बैठे और ये सभी के सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिए। आई होप अब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, खासकर ये कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, अब आप इसको आसानी से रिलेट कर पाओगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे शहर हैं जिसके बारे में आपने जानना है,
कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज मिली, कौन कौन सी जगह जो खोजी गई है, वो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना कि दयाराम साहनी, अपने नाम याद रखना है, राखल दास बैनर्जी और जॉन मार्शल, ये तीनों के तीनों नाम अपने अच्छे से याद रखने हैं। अब कई बार पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिंधु की सहायक नदियां आपकी पांच, जो पंजाब की पंजाब यानी कि पांच नदियों का देश इसीलिए बोला जाता है, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये आपकी पांच नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां। तो पंज आब, पंजाब का मतलब ही क्या है, पंज पांच, आब नदियों का देश या नदियों का क्षेत्र जो भी आपको बोलते, ठीक है। तो पांच नदियों का क्षेत्र आपका पंजाब है और सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं आपकी। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति किस शेप में है, क्या आकार है हड़प्पा संस्कृति का। तो अगर आप हड़प्पा संस्कृति के एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो किस तरीके की शेप मिलती है, इस तरीके की आकृति बन जाती है जब आप हड़प्पा संस्कृति के मेन मेन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बन जाती है लगभग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो शेप है वो किस आकृति की है, किस आकार की है, तो मोर और लेस ये किस चीज की है, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें तो क्या है, ये ट्राइंगल है, तो त्रिभुजाकार। ज्योति, ये इसी की क्लास, सीटेट की फ्री क्लासेस चल रही है, आपका पेपर टू में जो सोशल साइंस का पार्ट आ रहा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। हाँ, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, ये आपकी शेप बन जाएगी। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कौन कौन से शहर है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, डैम्स। चार पॉइंट्स है डैम्स, कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, डी ए एम एस, ठीक है। अब ये डी ए एम एस कौन कौन सी जगह है, डी से बनता है हमारा दैमाबाद, दैमाबाद कल भी डिस्कस किया था जोरवे संस्कृति का, तो दैमाबाद कहां है हमारा, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा ए, यहाँ पे जो ये एरिया है ये हमारा कौन सा है, हमारा आलमगीर, आलमगीर ये हमारा कहाँ है, यूपी में, ठीक है। इसके बाद एम से हमारा है मांडा, ये हमारा जेएनके में आता है मांडा, और यहां हमारा क्या है, सुकमडोर, ये हमारा पाकिस्तान में आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी दिशा का सबसे आखिरी क्षेत्र कौन सा है जो पाया गया है, वो है कि मांडा, ठीक है। ईस्ट में कौन सा है, आलमगीर जो कि यूपी में है, दैमाबाद कहां है आपका, साउथ पॉइंट है महाराष्ट्र में, और सुकमडोर कहां है आपका, पाकिस्तान में है। ये आपके कुछ पॉइंट आपने लिखा है, आपने देखना है। राकेश जी अपने मोबाइल के पिक्सल बढ़ा लीजिए थोड़ा, तो आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से याद रखना, डी आपको यहां से शुरू करना है साउथ पॉइंट से। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस शॉर्ट ट्रिक से, डैम से, कि कौन सा एरिया किस दिशा में है, आप इजिली कवर कर पाएंगे कि यहाँ इस तरीके से आप बनाएंगे डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, डैम हमने याद किया था, तो डी यहाँ से शुरू करना, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ एम है, यहाँ है, ये हमारा बन गया डैम्स। इस तरीके से दैमाबाद, आलमगीर, मांडा और सुकमडोर, ठीक है, ये इस तरीके से आपको आसानी से याद रह जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में एक ही ऐसी
जगह है जहाँ पर घोड़े के साक्षात्कार मिले हैं, यानी कि घोड़ों की हड्डियों के बारे में पता चला है कि घोड़ों के बारे में पता चला है, वो एरिया हमारा कौन सा है? सुतकोंडोर खोर, यहाँ पे हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अब घोड़े के साक्ष्य को लेकर हमेशा हड़प्पा संस्कृति में कंट्रोवर्सी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं तो आपको बोला है नहीं मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर हड़प्पा संस्कृति में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, ये कथन सही है या गलत, तो ये कथन है आपका गलत, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे एरिया में घोड़ा थे, नहीं थे, सिर्फ एक जगह पर ये साक्ष्य मिलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सुतकोंडोर में घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं तो आपका ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, करंट अफेयर हम जल्दी ही शुरू करेंगे, जो कि अभी क्लास नहीं आनी है, तो जैसे आ जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप नीश, गुड मॉर्निंग। ये आपका आलमगीर कहाँ है? ये मेरठ में है। और यह पूछा जाए सुतकोंडोर किस नदी पे है, तो ये आपकी दास नदी है। सुतकोंडोर आपका कहाँ है? दास नदी पर है। हाँ, पाकिस्तान में है सुतकोंडोर। तो ये आपका नदी अगर पूछी जाए तो ये आपका दास नदी पर यहां पर है। डैमवाल आपका कहां है? परमार नदी पर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है परमार नदी, उसके किनारे पर आपका क्या है? दैमाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैलगाड़ी के साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं, चार पहियों वाली, छह पहियों वाली, आठ पहियों वाली, तो यहाँ पे बैलगाड़ी के साक्ष्य ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे घोड़े के बारे में ज्यादा पता चलता है। ये दास नदी पर है, ये परमार नदी पर है, ये मेरठ और ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डैम्स आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, अगर क्योंकि एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको डैम्स अगर नाम भी याद नहीं रहता ना, तो आपको ये याद रह जाएगा कि डैम्स है तो डी से कोई भी अक्षर आपको दिख रहा है धर्मबाद, तो वो आपका आंसर करेक्ट है। इस तरीके से आपको ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को करते हैं। तो इसमें सारे के सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं कि यहाँ पे नगर नियोजन कैसा था। अगर ये पूछा जाए कि भारतवर्ष का पहला नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन कहां पर है, कौन सी संस्कृति थी, तो वो हड़प्पा संस्कृति थी, यही पे शहर के बारे में पता चलता है। अब आप खुद सोचिए, पाषाण काल में लोग शुरू हुए, उन्होंने शिकार करना सीखा, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना सीखा, उसके बाद उन्होंने रहना सीख लिया, खेती करनी सीख ली, तो एक तरीके से शहरीकरण कब होता है, शहरीकरण कब होगा, जब आपकी 70% एरिया जो है, 70% जो आपके लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। यही एक डेफिनेशन होती है कि शहरीकरण कब आएगा। अगर 70% लोग आपके खेती पर डिपेंड करते हैं तो वो ग्रामीण एरिया, 70% लोग अगर खेती के बजाय और कामों में है डिपेंड तो वो आपका हो गया शहर, सिटी। तो सबसे पहले जो शहरीकरण है वो हमारा कहा है, हड़प्पा संस्कृति शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने अब तक कृषि करना सीख लिया है, पशुपालन करना सीख लिया है, अब खेती आराम से हो रही है, सरप्लस होगी यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी, तो अब लोगों ने क्या सोचना था ताम्र पाषाण काल युग तक कि और कुछ काम करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे, पहियों का आविष्कार हो चुका है, लोहे के औजार बनाने लग जाएंगे, तांबे के कुछ तरीके से आभूषण इस तरीके से बनाने लग गए थे, तो अब और चीजों में ये इन्वेस्ट करेंगे और ऑप्शंस अपने लिए खोजेंगे। तो ये क्या है हमारी हड़प्पा संस्कृति, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, पहला नगरीकरण क्या है हमारा। नोट्स के लिए पवन, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 8447410108 पर। ठीक है, तो इस नगर नियोजन में क्या बात थी, एक तो पक्की ईंटों के मकान थे, पक्की ईंटों के मकान थे, संपूर्ण पर गलियां खड़ी थी,
या सर के लिख लो। समकोण पर सड़कें आपस में कटती थी और क्या था, पक्की ईंटों के मकान यहाँ पर थे। ताम्रपाषाण काल में कुछ कच्ची ईंटों के मकान फिर भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पक्की ईंटों के मकान शुरू हो गए थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बने हुए थे, सब आपस में समकोण काट रहे थे, तो मतलब सबके जगह। बट अगर हम रफली आइडिया लेंगे, जैसे कि हमने त्रिभुजाकार की आकृति को भी तो हमने त्रिभुजाकार बोला है, तो कुछ इस तरीके से ही है। समकोण पर आपस में जो सड़कें थी वो कटती थी, पक्की ईंटों के मकान थे, हर घर में आंगन था, कई कई घरों में अपने अपने पास कुएं थे, पानी के साक्ष्य थे, मकान बने हुए थे, मतलब चारों तरफ से ऐसा होता था जैसे ये घर है, चारों तरफ से बने हुए हैं यहाँ कमरे और बीच में आंगन और यहाँ पे पानी की सुविधा भी यहाँ पर होती थी सबके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे। और क्या था, ये जो भी मकान थे ना, ये ग्रिड की फॉर्म में थे, ग्रिड यानी कि जाल की तरह लगते थे सारे के सारे मकान। जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों की तरफ या फिर जो सहायक सड़कें थी उस साइड पे आपके जो गेट थे वो खुलते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा सनाना घर भी मिला है। सनाना घर बहुत बड़ा सा एरिया पक्की ईंटों का बना हुआ था, दो साइड से सीढ़ियां थी। सनाना घर जहां पे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स या कुछ धार्मिक पूजा के लिए या फिर समूह में महिलाएं हो सकती हैं नहाती हूं यहाँ पर, तो ये सनाना घर यहाँ पर मिलता है। अन्नाकार भी मिला है यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए। तो एक मिला है आपका मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में जो अन्नाकार मिला है वो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति में मिला है वो इस तरीके से है, आपके दोनों साइड पे ऐसे छोटे छोटे हैं, ये है आपके हड़प्पा के। और अगर अन्नाकार मोहनजोदड़ो की बात करें तो पूरा बड़ा एक अन्नाकार आपको कहां मिला है, ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात है, नगर नियोजन की, पक्की ईंटों के मकान थे, ईंटें आपकी जो है एक तरीके से पक्की ईंटें, दो तरीके की ईंटें यूज होती थी, एक आपकी नॉर्मल मकान के लिए और एक आपकी किला बंदी करवाने के लिए। तो जो था वो ये था 1:2:4, तो एक 7:10 में एक 10:10 में, ये आपकी किलेबंदी के लिए और ये आपकी नॉर्मल मकानों के लिए ईंटें, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, मोस्टली जगह जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है कि आपका जो एरिया है वो दो भागों में बटा था, एक तो आपका ईस्ट भाग है, एक आपका वेस्ट भाग है। इसको आप सिटाडल या आप इसको दुर्ग बोलते थे, और ये आपका ईस्ट भाग निचला भाग होता था, ये निचला भाग है, ये कुछ ऊपर ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा माना जाता है यहाँ पे जो नॉर्मल कॉमन पीपल है वो यहाँ पे रहते थे, और जो यहाँ पे जो आपका है ये वेस्ट वाला भाग जो है, ये वेस्ट वाले भाग में आपके कुछ एलिट पीपल, कुछ जो रिच पीपल हो गए या जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, तो वो यहाँ पर आपके वेस्ट एरिया में यहाँ पर रहते थे वो लोग। रेशो कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, ये चीज है आपकी कि वेस्ट में आपके कुछ एलिट भाग। अब मोहनजोदड़ो फिल्म सबने देखी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें हैं जो मिली हैं, तो वहां पर भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऋतिक रोशन बहुत ही नीचे वाले एरिया में से जो दूर का एरिया देखते हैं कि ऊपर वाले एरिया में जाना है, वो आपका क्या है, वो वेस्ट एरिया है जहां पर नगरीकरण बहुत ही अच्छे से है, वहां पे लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो पैसा आराम से उनके पास अच्छे से है, अच्छे लोग या फिर कुछ ऐसी जो कॉमन एक तरीके से एडमिन टाइप की चीज है वो आपकी सारी वेस्ट एरिया में है। तो दुर्ग और ये जो दुर्ग और ये आपका जो निचला ईस्ट वेस्ट भाग है आपका, यहाँ पे इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब ऋतिक रोशन जाता है तो क्या लेके जाता है, एक मोहर जो उसके चाचा या काका के पास होती है, एक मोहर होती है, एक स्टैंप होती है, एक पॉइंट होता है, तो वो किस तरीके का होता है, उसपे यूनिकॉर्न होता है यानी कि एक सिंह वाला गेंडा। तो जो मोहरे मिली है वो एक सिंह वाले गेंडे की मोहरे भी यहाँ पर पता चलती है, तो मोहर पे एक सिंह वाला गेंडा है तो मतलब एक सिंह वाले गेंडे की एक अपनी अलग अहमियत थी, उसकी पूजा भी होती होगी, तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। उसके अलावा
सनाना घाट जिसमें वो लेडीज और पूरा रिचुअल सा चलता है और वो महिलाएं आती है, तो वो क्या है हमारा सनाना घाट भी यहीं पे मिला है। पुजारी की बेटी थी तो पुजारी भी मिला है यहाँ पे। पुजारी एक जो मूर्त से मिली है जिसमें उसके कपड़े में कुछ डिजाइन सा बना हुआ है, वो पुजारी भी आपकी यहीं पर मिला हुआ है। ठीक है, पुजारी की मूर्त मिली हुई है वहां पे। लेडी स्नान कर रही थी तो एक वहां पे डांस भी चल रहा था, तो एक नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ पर मिली हुई है जिसके गले में माला है और नी वस्त्र है। ठीक है, वो यहाँ पर मिली है। पुजारी है तो पुजारी के घर भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या मिला है। स्टोर मैंने आपको बता दिया कि अन्नागार मिला है। ठीक है, ये सनानागार मिला है और एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जहां पर 16 कमरे थे, जहां पर 16 कमरे थे चारों तरफ से इस तरीके से, चार 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 इस तरीके से हर डायरेक्शन में 16 कमरे थे। तो वो भी आपको कहां पे मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। हाँ, अभी हम पूजा पे आ रहे हैं वहां पे कि किस किस की पूजा होती है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है नगरीकरण और मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा पानी की निकासी के लिए भी मोरिया बनी हुई थी, और मोरिया क्या होती, आपस में जो नालियां बनी हुई थी वो सब पत्थरों से ढकी हुई थी अच्छे से, तो मेन होल बने हुए थे ताकि सफाई अच्छे से हो सके, तो वो आराम से ढकी हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल पे एक नगरीकरण था। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो नगरीकरण जिसमें मिला, अर्बनाइजेशन जिसमें मिला, वो है आपकी हड़प्पा कल्चर। तो हमने यहाँ पे जो अभी पोर्शन देखा वो क्या था हमारा नगर नियोजन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नगर नियोजन हो गया, कृषि एग्रीकल्चर की क्या क्या चीजें थी जो यहाँ पे पैदा होती थी। तो यहाँ पे आपको गेहूं के साक्ष्य मिल जाएंगे, जो चावल। अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति की मुख्य फसल कौन सी थी, मेन क्रॉप, तो वो क्या होगी आपकी गेहूं, वीट। ठीक है, गेहूं आपकी अगर मुख्य फसल पूछी जाए तो गेहूं आपका आंसर होगा। इस तरीके से पूछा जाए कौन कौन सी फसल थी, तो गेहूं, जो चावल, खरपुई थी। जो आपका कहां मिलते हैं, जो आपके साक्ष्य मिलते हैं बनावली हरियाणा में। बनावली एक स्थान है हरियाणा में, तो वहां पर आपके जो के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य पूछा जाए तो लोथल, रामपुर, ये दोनों ही एरिया आपके कहां पर है, गुजरात में। यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे आपके चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गन्ने के साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर गन्ने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नहीं मिलता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं, जो चावल फेमस फसल है, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो गन्ने के साक्ष्य आपके यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हल से भी खेती होती थी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या होता था, लोहे भी मिलने लग गया था, तो लोहे के औजार खेती में यूज होते थे, हल भी यूज होता था। हल आपके कालीबंगा में भी आपके हल मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी एरिए हैं जहां पर आपके हल भी मिले हैं, तो कालीबंगा आपका फेमस है, वहां पे हल के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहले कपास की खेती कहां मिले हैं साक्ष्य, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कपास, कॉटन, इसको यूनानी लोग क्या बोलते थे, ग्रीक के लोग सिंडन। सिंडन भी अगर पूछा जाए, सिंडन भी कॉटन का ही रूप है, संस्कृत भाषा में सिंडन है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपके गेहूं, जो चावल, इसके साक्ष्य मिले हैं, गन्ना के साक्ष्य बिल्कुल नहीं है, और इसके अलावा कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं। कपास का सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से, जिससे हम कह सकते हैं कपास की खेती यहाँ पर अच्छी मात्रा में होती थी। और यहाँ पर सिंडन भी वर्ड यूज है, जो कि आपकी यूनानी भाषा में लोग इसको बोलते हैं, यूनान के लोग इसको बोलते हैं सिंडन। तो ये तो आपका हो गया है फसल के बारे में। अब हम बात करते हैं पशुपालन। जानवर कौन कौन से मिले, कौन कौन से पशुपालन आपको यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन।
पालतू बनाया गया वो कौन है? कुत्ता, डॉग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बिल्ली को भी इन्होंने, बिल्ली के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। पहला जंतु जिसे पालतू बनाया गया, डोमेस्टिकेशन किया गया जिसका, वो कौन है? कुत्ता। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ली के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, भेड़, बकरी, सुअर, एक सिंग वाला गैंडा, ये सारी चीज यहाँ पर मिलती है। क्या नहीं मिलता है? सांप के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है? सांप के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलते हैं, सांप के बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं है, तो सांप के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ठीक है, गैंडा, हाथी, चीता, ये सारे साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं। कैसे पता चलते हैं कि यहाँ पे ये साक्ष्य हैं? तो यहाँ पे जो हमने एक बार देखो रॉक और जब हमने भीमबेट का बनाया था, वहां पे चट्टानों पे आकृतियां भी बहुत सारी मिली हैं, तो वहां पे ही पहले मिले रहते थे जीवजंतु, और यहाँ पे मिले हैं, हर जगह पे साक्ष्य मिले। जैसे कुत्ते के पीछे, कुत्ते के पीछे बातों, बिल्ली, इस तरीके के साक्ष्य आपके मिले हैं चरमुद्रों में। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पर पंजे के निशान मिले हैं, तो इनसे हम बता सकते हैं कि ये जानवर मिलते थे। एक सिंह वाले गैंडे के साक्ष्य मोर पे भी है, तो वहां से पता सकता है कि मोर, एक सिंह वाला गैंडा, यूनिकॉर्न इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा, यानी कि मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां मिली है, उसमें भी कई जानवरों की, जैसे हाथी की मूर्ति है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि ये जानवर थे जो वहां पर मिलते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं शिल्प और तकनीकियां। यहाँ पे क्या थे कि शिल्पकार, बीड्स बनते थे। बीड्स यानी कि मन का मोती, किससे बनते थे? स्टोन से भी बनेंगे, यानी कि पत्थर से भी बनेंगे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन। इसमें प्रीशियस स्टोन में एक बहुत ही फेमस स्टोन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जो कि अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, लैपिस लजुली। लैपिस लजुली ये आपका बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, जो कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से ये वाला मंगाया जाता था। तो यहाँ पे आपके स्टोन प्रीशियस। इसके अलावा एक है आपका हिंदी में वर्ड है कसेरो, कसेरो, और इसका इंग्लिश में वर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ, कार्नेलियन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मन के बनते थे वो किस किस चीज के बनते थे, तो आपके स्टोन के भी बनते थे, आपके प्रीशियस स्टोन से, कसेरों से बनते थे। इसके अलावा और भी मटेरियल है जिससे आपके बनते थे, अलग अलग तरीके का स्टोन था तो उससे बनते थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो मुख्य किससे बनते थे, मेन किससे बनते थे, फेमस कौन है, तो वो आपको ये कसेरों वाले फेमस है, इंग्लिश वाले में कार्नेलियन, तो कसेरो वाला आपका फेमस हो जाएगा, आपको इस पे टिक करके आना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कृषि अगर पूछी जाए सबसे मेन साक्ष्य किसके मिलते हैं, गेहूं के मिलते हैं। बीड्स और ये अगर आइटम बनाने की बात आती है तो किसके मिलते हैं, कसेरो के मिलते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। इसकी फैक्ट्री आपको मिलेंगी कहां कहां पे मिलेंगी, चमुंदड़ों में फैक्ट्री थी और लोथल में फैक्ट्री, इन दो जगहों पर इन बीड्स बनाने की फैक्ट्रीज मिली है, यानी कि यहाँ पे बीड्स बनाने का काम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होता है। सूती कपड़ा मिला है तो सूती कपड़े से लोग बुनाई करते थे, तो सूती कपड़े से लोग कपड़े बनाते थे, तो वो भी आपको साक्ष्य मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बीड्स हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो क्लोथ्स भी लोग बनाते थे। कैसे बनाते थे? एक तो सूती कपड़े से और ऊनी कपड़े के भी साक्ष्य है, तो सूती और ऊनी दोनों ही कपड़ों के साक्ष्य आपके यहाँ पर है। इसके अलावा मिट्टी की मोहरे बनती थी, तो मोहरे बनाने का भी काम कोई करेगा ना, तो मोहरे जो बनाएंगे, हमारे क्वाइंस जो बनाएंगे या स्टैम्प्स जो बनाएंगे, तो वो भी यहाँ पर मिलती थी। मोहरे किस आकार की है, ज्यादातर स्क्वायर की आकार की है, तो इनपे या तो किसी जानवर का या फिर किसी इंसान का, इस तरीके से यहाँ पे आकृति होती थी, ठीक है, ये स्क्वायर कलर की है और इनपे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के टेक्स्ट को हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने जो इसकी अगर हम बात करें कि कैसी लिखावट है, तो वो चित्र प्लस वर्ण है, ठीक है।
चित्र भी है, फिगर्स भी है और आपके अल्फाबेट्स भी है। तो ये आपके कोई वर्ण, कोई ध्वनि, ये सारी चीजें आपकी इससे पता चलती हैं। तो चित्र वर्णात्मक है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, किस डायरेक्शंस पे लिखी हुई है, हम लिखते हैं इस तरीके से, ये लिखी हुई है इस तरीके से, यानी कि दाएं से बाएं। अब आप बोलोगे पढ़ी नहीं गई है तो कैसे पता चला कि बाएं से दाएं लिखी है, दाएं से बाएं नहीं लिखी है? तो ये एक हिस्टोरिकल नॉर्मल सा अजम्पशन है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमारा पेज खत्म हो गया, कोई अगर हमारी कोई बड़ी सी स्पेलिंग है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम बहुत ही ऐसे खिचड़ी सी कर देते हैं, बिल्कुल अक्षर सटे सटे लिखते हैं। तो वो सिमिलरिटी आपकी कहाँ से मिली है, दाएं से बाएं इस साइड मिली है। तो ये अजम्पशन है कि बाएं से दाएं ये अक्षर लिखे गए हैं। अब काफी सारी चीजें हैं कि जैसे हमने बोला कि लापिस लजूली एक फेमस स्टोन है, वो अफगानिस्तान से मिला है। तो वो कैसे पता चला जी, वो अफगानिस्तान से लोग मंगाते थे यहाँ पे, तो हड़प्पा की संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं, लिटरेचर मिले हैं, वो नहीं पढ़े गए हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान में मिले हैं वो तो पढ़े गए हैं। तो वहां पे वर्णन है किसका, कि लैंड ऑफ मेहर, लैंड ऑफ मेलवा, मेलुआ, लैंड ऑफ मेलुआ के साथ वो ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, व्यापार करते थे। ये क्या है कि मेलुआ, मेलुआ, लैंड ऑफ मेलुआ, ये अफगानिस्तान के टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और मेलुआ हम इसी एरिया को बोलते थे, सिंधु इंडस रिवर के बेसिकली इसको बोलते थे। तो लैंड ऑफ मेलुआ, अगर ये पूछा जाए कि व्यापार के साक्ष्य के बारे में कैसे पता चलता है, तो अफगानिस्तान के टैक्स से आराम से पता चलता है। थैंक यू सो मच कृति। ठीक है, इसके अलावा बर्तन बनते थे तो कुम्हार भी हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अच्छे किस्म के बर्तन बनाने शुरू कर देते, प्याली, केटली, पूरा ढक्कन टाइप और ऊपर से ढक्कन, तो ये सारी चीजें बनानी शुरू हो गई। तो अगर ये पूछा जाए क्या क्या शिल्पकार करते थे, तो आपको खुद अपने में अजम्पशन करना है। खेती हो गई जी, लोहा भी मिल गया तो लोहे के बर्तन, लोहे के औजार बनते थे खेती के लिए। तांबा मिल चुका था तो तांबे के भी आभूषण बनते थे, औजार भी बनते थे। अब खाना हो गया है ऑलरेडी, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, स्टोर करने के लिए चाहिए, तो बर्तन बनाने वाला भी कुम्हार भी मिल गया। इसके अलावा वो सिलबट्टा और काफी सारी चीजें मिलती थी। अब जेंट्स और लेडीज हैं, आपने देखा कि अब नगरीकरण आ गया तो थोड़ा फैशन भी आ गया, तो लोग माला या आभूषण पहनते हैं, माला की मूर्तियां पहनते हैं, वो सब चीजें भी मिलेंगी। तो वो भी मिल गए, बेस में मिल गए यहाँ पर। ठीक है, कपड़े सूती और ऊनी दोनों किस्म के मिल गए, क्वाइंस बनाते थे, वो सारी चीजें मिल गई। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्या होंगे, जब भी आप ये सारी चीजें देखेंगे ना, तो आपको समझ समझ के पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या मिल गया। आपको थोड़ा सा जब आप बैक कैलकुलेशन करिए, जब आप सोचेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये हमारी शिल्पकार की बातें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की, व्यापार की, अब हम बात करते हैं व्यापार की, ट्रेड की। ट्रेड अब दो किस्म का होता है, एक इंटर और एक इंट्रा। अब गांव वाले लोग हैं, इस वाले लोग हैं, वहां पे खेती होती है, खेती के और यहाँ पे एक एरिया हमारा नगरीकरण बन गया जहां पे खेती के अलावा और भी काम होता है, तो लोग आपस में भी व्यापार करेंगे और लोग बाहर वालों से भी व्यापार करेंगे। ठीक है, इंटर और इंट्रा दोनों ही जगह पर क्या होगा, व्यापार होगा, दोनों ही जगह पर होगा, इंटर भी करेंगे और इंट्रा ट्रेड भी करेंगे। ट्रेड के बारे में आप कैसे जानकारी मिलती है कि ट्रेड कैसे हुआ, हमारे यहाँ पे क्वाइंस आ चुके हैं। पहले क्या थे, जब हमारे ताम्रपाषाण काल में युग क्या हुआ था, और उस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय प्रणाली, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे क्वाइंस आ चुके हैं। क्वाइंस मैंने आपको बताई दिए, स्क्वेयर कलर के हैं। यहाँ पे या तो किसी आदमी की होगी मूर्ति, या यहाँ पे किसी एनिमल की होगी, या जो भी फिगर होगी, प्लस इस पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि ये सब है। ठीक है, कि यहाँ पर व्यापार होता था। तो ट्रेड में यहाँ पे पत्थर, धातु या हड्डी के औजार, ये सारी चीजें यहाँ पर आराम से मिलती थी, तो यहाँ पे ये व्यापार आपका होता था। पहियों वाली गाड़ी, तो हल, ये सारी चीजें आपके क्या है कि आपस में व्यापार होने लगा। तो इन्होंने एक उत्तरी अफगानिस्तान में
एक वाणिज्य बस्ती यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक इन्होंने सिटी बनाई हुई थी, एक एरिया बनाया हुआ था। उससे क्या होता था, ये मान लो हड़प्पा के लोग हैं, ये अफगानिस्तान के लोग हैं, एक यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना दिया उन्होंने, ट्रेड सिटी बना दी। तो हड़प्पा के लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे, तो एक बेसिकली क्या हो गया, आपस में इनके लिए एक मीडिएटर बन गया। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो व्यापार करते थे उन्होंने अपना एक वाणिज्य बस्ती बनाई हुई थी, जिससे कि हमें व्यापार के बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो हमने डिस्कस किया कि इस तरीके की होती थी, या तो ओवल शेप में या फिर आपकी ये इस तरीके की एक्लिप्स शेप में, ठीक है, इस तरीके की आपकी मोहरे मिलती थी। तो ये मोहरे आपको हड़प्पा में भी मिली हैं। तो इसका मतलब क्या कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का क्या होता था, व्यापार होता था, अफगानिस्तान के साथ भी कॉमर्स वहां पे बैठा हुआ। तो यहाँ से ये सारी चीजें पता चलती हैं कि लोग आपस में तो व्यापार करते ही थे, बाहर के लोगों के साथ भी व्यापार आराम से करते थे, ठीक है। तो जैसे सोना चांदी यहाँ पे हो गया था, गोल्ड सिल्वर के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मेन आपको यहाँ पर कॉपर मिला, कॉपर में उन्होंने टीन मिलाई, बना दिया ब्रॉन्ज। लोहा ऑलरेडी मिल गया था तो यहाँ पे लोहा भी आपको मिला है, और इसके अलावा गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिली है। गोल्ड सिल्वर के कितने ज्यादा साक्ष्य नहीं है, उसकी मोहरे नहीं मिलेंगी, औजार नहीं मिलेंगे। गोल्ड सिल्वर तब भी महंगा ही था, तब कहां से था कि साउथ इंडियन की साइड से ही आता था। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में क्या है कि गोल्ड सिल्वर के आभूषण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कृषि देख ली हमने, एग्रीकल्चर देख लिया हमने, बेसिकली मोहरे भी देख ली किस तरीके की हैं, व्यापार भी देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि धार्मिक किस चीज को मानते थे, पशुपति, मातृ देवी, पेड़ों को भी मानते थे, पीपल के साक्ष्य मिले हैं, और यूनिकॉर्न एक सींग वाला गैंडा। किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं है, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, तो मंदिर के साक्ष्य यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। पशुपति की बात करें तो पशुपति यानी कि जिसको कि हम आज रुद्र या भगवान शिव के नाम से जानते हैं, पशुपति यहाँ पे माना गया है कि वो पद्मासन में बैठे हैं। कौन से आसन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, तीन सिंह वाले हैं और उसपे हिरण, बाघ, गैंडा, भैंसा, ये इससे आकृति बनी हुई है। ये हमें कैसे पता चलता है, मुहरों से पता चलता है, ठीक है, जो हमारी स्टैंप थी उनसे हमें पता चलता है कि पशुपति की पूजा की जाती थी, उस पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मातृ देवी, अब उन्होंने देखा कि खेती हो रही है, एक मातृ देवी यहाँ पर कैसे मिला है कि एक लेडीज की आकृति है, स्त्री की आकृति है, और गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है, यानी कि मातृ देवी धरती माँ की ये लोग पूजा करते थे। पीपल के पेड़ से भी कि पीपल का पेड़ है और उसमें ऐसे भगवान है बीच में पीपल के पेड़ पे, तो ये साक्ष्य भी आपको यहाँ पर मिले हैं। तो पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सिंह वाले गैंडे की पूजा की जाती थी। तो ये सारे देवी देवता आपको यहाँ पे याद रखने, हालांकि मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं है। मातृ देवी, अब ज्यादातर जो लोग पूछते थे मातृ देवी को, वो कौन थे, लोग वाले जो हमने ईस्ट सिटाडल बोला था, दो बाप के थे ना, एक वेस्ट था एक ईस्ट था। तो ईस्ट वाले लोग ज्यादातर मातृ देवी को और पशुपति की पूजा ज्यादातर वेस्ट वाले लोग करते थे, ठीक है। तो एक कुबड़ वाला सीन भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का निशान आपको मिला है, ये निशान होता है स्वास्तिक का, स्वास्तिक का निशान। ये स्वास्तिक का निशान किसके लिए, सूर्य देव की पूजा की जाती थी, सूर्य के रूप में इसको माना जाता था, ब्रह्म के रूप में इसको माना जाता था, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा लोग ताबीज भी धारण करते थे, ताबीज के भी साक्ष्य मिले हैं, ताबीज धारण करते थे, यानी कि लोगों को लगता था भूत प्रेत होती है, तो इसीलिए ताबीज के भी साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई नो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कंप्लीट ही कवर करने वाले हैं यहाँ पर।
ठीक है, स्वास्तिक हो गई। हड़प्पा लिपि के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चित्र तथा वर्ण दोनों ही हैं, हालांकि अभी तक डिसाइफर नहीं हो चुकी है, यानी कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल चुकी है कि क्या वर्ड्स लिखे हैं। साहित्य के बारे में हड़प्पा वालों का क्या योगदान है हम इससे नहीं बता सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है हमारा, प्रोटो हिस्ट्री। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रोटो हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं व्यापार हो रहा है माप तोल के बारे में, तो यहाँ पर इनको स्केल भी पता था, एक तांबे की एक छड़ी मिली है, तांबे की छड़ी कि ये इस तरीके से कुछ मापते भी होंगे, जैसे हम आजकल कपड़ों के लिए मीटर यूज करते हैं, तो तांबे की छड़ी मिली है वो भी इनको पता चलता है, और यहाँ पे बाट भी मिला है यानी कि वेट्स, वेट्स भी बने हुए हैं। जब जैसे छोटे छोटे मन के बनाते थे वो, तो हो सकता है कि नंबर में रहते हो 10-20 इस तरीके से, और पार्ट्स मिले हैं यानी कि वेट्स मिले हैं। वेट्स किस फॉर्म में है, वेट्स हैं आपके 16, 64, 160, 320 और 640, इस तरीके से आपके ये वेट्स मिले हैं, तो वेट्स का भी पूरा प्रॉपर इनको पता था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेट्स के बारे में क्या हड़प्पा संस्कृति से कोई साक्ष्य मिलते हैं, तो मिलते हैं, वेट्स के बारे में इनको पूरा पता था। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन किस तरीके के मिलते हैं, रेड कलर के, ब्लैक पेंटेड, जैसे हमारे आजकल बनते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये मटका है रेड कलर का होता है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिजाइन कर देते हैं ब्लैक कलर का, तो ये इस तरीके के साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो रेड GW रेड ग्रेवियर या ब्लैक ग्रेवियर, हाँ, तो आपके ये रेड ब्लैक पेंटेड आपके ये मिले हैं, आपको ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाल और गुलाबी रंग के आपको यहाँ पर मिले हैं, तो BRW बोलेंगे हम इसको, ब्लैक रेड ग्रेवियर, ठीक है, BRW ये आपको याद रखना है, BRW आपसे पूछा जाए किस तरीके के बर्तन मिले हैं, तो रेड BRW ब्लैक रेड, ब्लैक और रेड याद रखना, तो ब्लैक रेड पेंडेंट मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। मूरे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिमाएं मैंने आपको बता दिया कि एक पुजारी और एक जो नर्तकी है वो आपको याद रखनी, खास है कि मूर्ति नर्तकी की मिली है, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अंतिम संस्कार में यहाँ पर भी वही तीन हैं कि दाह संस्कार, पूर्ण और आंशिक समाधिकरण, तो यानी कि जो हमने कल डिस्कस किया था दाह संस्कार में क्या हुआ कि आदमी जैसे ही उसकी डेथ होती है उसको जला दिया जाता है, जैसे कि आजकल हिंदू धर्म में किया जाता है वो आपका दाह संस्कार। आंशिक में यही कि छोड़ दिया और जितना जीव जंतु ने खाया उतना और उसका बाकी जो है वो जला दिया गया। पूर्ण समाधिकरण क्या है कि धरती में पूरी तरीके से दफना दिया गया, जो कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म में किया जाता है, वो आपको यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। एक और पूछा जाता है आपसे ये क्या है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये है आपका मैच्योर हड़प्पन, ये आपका अर्ली हड़प्पन, ये आपका लेट हड़प्पन पीरियड, ठीक है। अर्ली हड़प्पन पीरियड आपका कब से कब तक रहा, 3200 से 2600 ईस्वी तक, 2600 से 1900 तक आपका क्या रहा मैच्योर हड़प्पन, और लेट हड़प्पन आपका कब से कब तक रहा, 1900 से 1700 तक, आपको ये याद रखना है ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब हड़प्पा संस्कृति अच्छी वाली चल रही थी, क्या कारण थे कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने माना कि भूमि अपरदन ज्यादा हो गया, भूकंप आ गया, धरती ऊपर नीचे हो गई, बाढ़ आ गई, या फिर वनों की कटाई शुरू की, जला दिया गया, या आर्यों ने आक्रमण कर दिया, तो ये अलग अलग कथन है कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि हाँ इस कारण से हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, ऐसे अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमने लगभग आपका कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं,
अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से एरिया हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हड़प्पा से ही बात करते हैं। हड़प्पा जिसकी खोज हुई 1921 में, अगर हड़प्पा में पूछा जाए आपको क्या क्या चीजों के साक्ष्य मिलते हैं तो कांसे से बने हुए औजार आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कृषि के साक्ष्य भी मिलेंगे आपको वहां पर, खेती के साक्ष्य भी मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। अन्न भंडार मैंने आपको बता दिया, शंख वहां पर आपको मिलेगा, शव मछुआरे का चित्र, ये सारे आपको मिलेंगे हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में क्या मिलेगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। मोहनजोदड़ो मूवी देखिए तो बस वही याद रखना है कि एक स्टैम्प है, एक सिंह वाला उस पे गहना छपा हुआ है, एक सनाना गार है अन्न भंडार करने के लिए, अन्न भंडार पूरा बड़ा अन्न भंडार है। इसके अलावा पुजारी है, पुजारी के रहने का स्थान है, जो अन्न भंडार है उसके चारों तरफ कमरे थे तो 16 कमरों वाली एक जो है जगह मिली है, और वहां पर अच्छे से पूरा सिविलाइजेशन है, तो सूती कपड़े के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो आपका कहाँ है? चन्नूदड़ो आपका जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो से आपको क्या याद रखना है? चन्नूदड़ो से आपको जो याद रखना है इसको इस तरीके से याद रखना कि चन्नूदड़ो, चन्नूदड़ो मतलब कुछ चुनरी जैसा सिमिलर आपको इससे पता चलेगा चन्नूदड़ो। तो यहाँ पे श्रृंगार की चीजें आपको मिलती है, श्रृंगार की चीजें, लिपस्टिक मिलेगी, काजल मिलेगी, ठीक है। चन्नूदड़ो में आपको बीड्स मनके मिलेंगे, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो मैंने बताया था कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी आपको इधर ही मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, तो कंघा काजल ये आपको यहीं पे सारी चीजें मिलती है। नेक्स्ट आपका लोथल। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। लोथल में आपकी एक तो बीड्स फैक्ट्री मिलेगी मिलेगी, वो यहाँ पर है। अच्छा चन्नूदड़ो में और एक क्या खास बात है, तो यहाँ पर देखो ज्यादातर श्रृंगार की चीजें मिल रही हैं, तो लोग क्या है यहाँ पे आपको क्या लगता है कि लोग लोअर लेवल है, यानी कि जो लोअर क्लास है वो है यहाँ पे, जो कंघे बना रही है, शीशे बना रही है, लिपस्टिक बना रही है, तो वो काम कर रही है अपने घर में, तो वो क्या है यहाँ पे सीता टेल नहीं मिला आपको। हमने जो डिस्कस किया था ना कि ईस्ट और वेस्ट पार्ट है और वेस्ट पार्ट की किलेबंदी होती है, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि एरिया जो है 6 भागों में बटा हुआ है, लोग बस अपना एक ही समतल भूमि है वहीं पे सब लोग रह रहे हैं, वहीं पे अपना काम कर लेते रहे हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल में आपको क्या मिला है? एक तो यहाँ पे क्या मिला है लोथल, एक तो आपको बीड्स फैक्ट्री मिली है, ये मैंने आपको पहले बताया था बीड्स फैक्ट्री कहाँ मिली है, हमारी लोथल में मिली है, तो यहाँ पर मनके का काम यहाँ पर जरूर होगा। और लोथल में क्या मिला था? चावल के साक्ष्य, हमने बताया था कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ पे कृषि भी होती रही है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा लोथल को थोड़ा सा क्या याद रखना है? डर, लोथल डर से थोड़ा सा रिलेट करके रखना है, तो यहाँ पे की राक्षस कि आपको यहाँ पर मिलते हैं साक्ष्य, तो चावल और बाजरा के दाने पर यहाँ पर राक्षस के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत है यहाँ पर, यहाँ पर 3 युग्मित समाधियां हैं, यानी कि कपल में समाधि बनी हुई है, तो लोथल को अगर आप डर से रिलेट कर लोगे तो आप काफी चीजों को यहाँ पर इजी से कवर कर पाओगे। कालीबंगन, कालीबंगन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगन आपकी राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया, तो यहाँ पर काले रंग की चूड़िया मिली है, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कि भूकंप भी आते रहे हैं। राजस्थान है तो पानी इतना नहीं होता था लेकिन पानी को स्टोर करते थे लोग। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हल्के के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, कालीबंगन हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा एक है बनावली, एक है राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों साइट्स कहाँ की आपकी? हरियाणा की है। तो बनावली में भी आपको जो के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर आपको कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, और राखीगढ़ी जो है आपकी यहाँ पर आपको तांबे के बर्तन ज्यादा मिले हैं, तो ये राखीगढ़ी में आपको मिले हैं। इसके अलावा रोपड़ है, रोपड़ में मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है वो आपको मिला है। इसके अलावा सुरकोटदा, सुरकोटदा आपके गुजरात में, वहां पर हमने पहले डिस्कस किया था कि घोड़े की मिली है, वहां पर भी आपको मिले सुरकोटदा में। सुरकोटदा में 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं आपको, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो सबसे पहले जो बड़ा एरिया था वो था आपका धौलावीरा। सबसे बड़ी साइट जो है आप
राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के मिलने के बाद क्या है राखीगढ़ी। तो आप देख लीजिए अगर आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है धोलागिरी का लिखा हो, लेकिन इसको अपडेट कर देना वो राखीगढ़ी है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी, सबसे छोटा एरिया, गुड मॉर्निंग ललिता, सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटी साइट कौन सी है साइट, वो है आलमिया, वो है आपकी क्या है अल्हादिरो, अल्हादिरो ये आपकी पाकिस्तान में है। तो ये आपकी सबसे छोटी साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रंगपुर में आपका 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, रोपड़ में हमने डिस्कस कर लिया, कोट दीजिए में भी आपका कोट दीजिए पाकिस्तान में, यहाँ पर भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। तो किलाबंदी आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, तो चंदोरा में नहीं मिला, और एक आपको कहाँ पे नहीं मिला है, ये कोट दीजिए में भी नहीं मिला है, ठीक है, कोट दीजिए में भी आपको नहीं मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी बुक है वो आप उस बुक से रेफर कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल के नोट्स हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छे से दिया गया है, आप उसमें से भी पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों ने नोट्स को ऑर्डर नहीं किया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, DSSB, KVS, LVS या फिर जो कल वैकेंसी आई है उनके बारे में भी, तो आप 8447410108 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हर एक लेवल के एग्जाम आपको घर बैठे कोरियर के द्वारा या अगर आप किसी गांव में तो स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। आप चाहे PGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, मिलना ना भूले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।